एनटीपीसी का, इसने लड़कों को एक नया दुख देके रख दिया। इसने क्या किया है कि कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। इसकी कहानी टोटल सुनिए, 2019 में इसकी वैकेंसी निकली, एग्जाम में नहीं ले रहा था। 2020 में हम लोग ने स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी का कैंपेन चलाया, तब ससुराल एग्जाम लिया। एग्जाम लेने के बाद क्या किया, रिजल्ट नहीं दिया। फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए, 8 मिलियन ट्वीट किए लोग कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया ससुराल हजार। रिजल्ट में कहा था 20 गुना देंगे, 3 से 4 गुना रिजल्ट दिया है, कह रहा है कि 20 गुना है। कैसे किया, इतना बड़का चोर है ससुराई कि एक लड़का का, एक कैंडिडेट का चार जगह चार चार बार रिजल्ट दिया और उसको चार जगह गिन रहा है। देखो 4 गुना है यहाँ पे, यहाँ पे तो बड़ा तकलीफ होता है। इतना मेहनत करने के बाद भी लड़कों के लिए जब जानबूझ के बर्बाद किया जाता है इस तरह से, तब ये तब काफी ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे लड़कों की लाइफ से खेल रहा है और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे। आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए हम लोग साथ खड़े थे। आपका जब फोटो रिजेक्ट किया था, जो काले लड़के थे उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया था, 4-4.5 लाख लड़कों का, 3 महीना लड़ा आदमी, लेकिन रिजल्ट वापस लेके आया था उनका मॉडिफिकेशन लिंक, इसको भी सुधारा जाएगा। और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज उठाइए। अरे यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए, हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाए। जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे। और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाए उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया। हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है, इसको कैसे सुधारा जाएगा, सुधार के हम लोग लिया जाएगा। आई होप आप अपना उम्मीद नहीं खोएंगे, आगे फिर से जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी में लगे।